औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुदस्सिर अली मिनहास और आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, आज हम आपके लिए 5 मरला का ट्रिपल स्टोरी घर लेके आए हैं। आप घर का फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो पाकरब हाउसिंग सोसाइटी में ये घर मौजूद है। आप देख सकते हैं इसके गेट के ऊपर CNC कटिंग का काम किया गया है। ऊपर इसके जो रेलिंग लगी हुई है उस पर भी CNC कटिंग का काम किया गया है। घर ट्रिपल स्टोरी बना हुआ है। इसके रूफ टॉप के ऊपर आपको बारबेक्यू एरिया मिल जाता है, कंक्रीट के सोफ़े बनाए गए हैं और बहुत ही प्यारी ऊपर सिटिंग आपको मिल जाती है। 4 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है इसके अंदर, ट्रिपल लाउंज है और ट्रिपल किचन है, 4 बेडरूम्स हैं। पाकरब के बेहतरीन लोकेशन के ऊपर आपको ये घर मिलता है। आप रोड देख सकते हैं, खूबसूरत रोड है, कारपेट रोड है, नीट एंड क्लीन है। राइट साइड से आप रोड देखें, बेहतरीन रोड है और LDA से अप्रूव्ड ब्लॉक के अंदर ये घर आपको मिल रहा है। आपको व्यूअर्स घर के अंदर लेके चलते हैं। जैसे आपको घर के अंदर लेके आते हैं, गैराज आप देखें, बड़ी गाड़ी का गैराज है, मार्बल फ्लोरिंग की गई है और गैराज में आपको निशेज मिल जाती हैं। इसकी अगर हम सीलिंग की बात करें तो खूबसूरत सीलिंग है और फानूस इंस्टॉल्ड मिल रहा है। सामने आपको 3 डोर्स मिल जाते हैं, एक सेपरेट ड्राइंग रूम का डोर है, एक आपको मेन डबल लाउंज का डोर मिलता है, गैराज का डोर मिलता है। स्टार्टिंग पे जो गली छोड़ी गई है उसमें आपको पोडरूम की ऑप्शन मिलती है। इधर मिरर वर्क बड़ा खूबसूरत किया गया है। आपको मेन से अंदर लेके चलते हैं। टोटल 9 इंच की दीवारों पर इस घर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये व्यूअर्स इसका लाउंज एरिया है, वाइट कलर की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, प्योर वाइट टाइल्स हैं। फनूस आप देखें, बेहतरीन फनूस है और इसमें फैंस आपको इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं फैंस, रोप लाइट वगैरह आपको लगी मिल रही है। ये आपका ड्राइंग रूम एरिया है और ड्राइंग रूम में सीनरी मिलती है, आपको एक सेपरेट डोर मिलता है। आपको बेडरूम में लेके चलते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे सेमी सॉल्यूडेंट के डोर्स आपको मिल जाते हैं। ये आपका बेडरूम आ जाता है। इस साइड पर आप देखें वॉलपेपर बेडरूम के अंदर निसब है और सीलिंग डिज़ाइन इसका खूबसूरत है, बेहतरीन सीलिंग डिज़ाइन। और 4 सेक्शन में वार्डरोब्स, सुपर हाई ग्लोस की शीट लगाई गई है वार्डरोब पे। और ये आपको मिल रहा है वॉशरूम, कमोड की ऑप्शन है, बेसिन की ऑप्शन है और टाइल फ्लोरिंग आपको कंप्लीट मिल रही है। इसी तरह से व्यूअर्स आपको किचन का भी व्यू करवा देता हूँ। ये किचन है व्यूअर्स, इसमें आप देखें जी फनूस, ये हुड आपको मिल रहा है और चूल्हे आपको इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। व्यूअर्स यहाँ पे आपको चूल्हे इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, स्टेनलेस स्टील में चूल्हा देखें आप, बड़ा खूबसूरत हुड आपको इंस्टॉल्ड मिल रहा है। वार्डरोब्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, डबल सिंक है, बैक साइड पे आपको वेंटिलेशन एरिया भी मिल जाता है। मैं आपको वेंटिलेशन एरिया दिखा देता हूँ, ये बैक साइड पर आप देख सकते हैं अभी लॉक है, तो मैं वेंटिलेशन एरिया भी आपको दिखा देता हूँ। ये LDA के रूल के मुताबिक वेंटिलेशन एरिया छोड़ा गया और सारी विंडोज़ के ऊपर सेफ्टी ग्रिल भी दी गई हैं। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ऊपर जाते हुए व्यूअर्स हमें यहाँ पे ट्रॉपिकल मार्बल मिलता है। इस साइड पे गोलों का काम किया गया है जिसके अंदर अभी वॉलपेपर लगना बाकी है। साइड पे स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है। ऊपर आते ही हमें फर्स्ट फ्लोर का ये लाउंज एरिया मिल जाता है। लाउंज एरिया आप देखें, प्रॉपर फनूस फैंस फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको निसब मिल रहे हैं। पाकरब जो है वो आपको पता है कि शहर के अंदर सोसाइटी आती है। इस साइड पर आपको टेरेस मिल जाता है, इस टेरेस में भी फनूस आपको मिल रहे हैं। ये टेरेस एरिया है, इधर से बाहर का व्यू आप करें, बेहतरीन व्यू। तो व्यूअर्स ये लाउंज एरिया, इसी तरह से यहाँ पे बेडरूम, यहाँ पे भी आपको 4 सेक्शन में वार्डरोब्स मिल रही हैं। सीलिंग डिज़ाइन बेहतरीन है और फैन की ऑप्शन है, 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है और ये कमोड आपको मिल रहा है। यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग कम्प्लीट मिल रही है। ये किचन, हुड की ऑप्शन है और चूल्हों की ऑप्शन आपको मिल रही है। ये सिंक है, इसी तरह से ये आपको तीसरा बेडरूम मिलता है। ये व्यूअर्स तीसरा बेडरूम है, सीलिंग डिजाइन इसका देखें खूबसूरत है। ये वॉशरूम और इसी तरह से 3 सेक्शन में आपको वार्डरोब्स मिल जाती हैं। अब आपको मैं तीसरी मंजिल पे लेके चलता हूँ, 3rd फ्लोर पे। जी व्यूअर, जैसे 3rd फ्लोर पे लेके आते हैं आपको, इस साइड पे आपको एक और लाउंज मिलता है। ये तीसरा लाउंज है, इसका आप सीलिंग डिज़ाइन देखें, फनूस लगे हुए हैं, टाइल फ्लोरिंग।
इस साइड पर किचन प्रॉपर नहीं बना, आप चाहें तो इसको प्रॉपर बना सकते हैं। आपके इस घर में 3 किचन हो जाएंगे। ये बेडरूम, फोर्थ बेडरूम, और ये वार्डरोब 4 सेक्शन में। सीलिंग डिज़ाइन बेहतरीन, 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है। और इसी तरह से यहाँ पे जो वॉशरूम है, ये वॉशरूम, यहाँ पे भी कमोड की ऑप्शन है। बेसन और टाइल फ्लोरिंग कंप्लीट है। व्यूअर्स, आपको बारबेक्यू एरिया दिखा देते हैं। ये बारबेक्यू एरिया, ये देखें जी, कंक्रीट के सोफे बने हुए हैं यहाँ पे, वॉल्स के ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है, और ये बारबेक्यू एरिया बना हुआ है। आप देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत पेंट हाउस टाइप का एक एरिया बनाया है आपकी सिटिंग के लिए। शाम के टाइम आप यहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये सिटिंग बनाई गई है। ये आपका बारबेक्यू एरिया बनाया गया है, और इस तरफ अगर आप देखें तो आप ये वॉल डिज़ाइनिंग की गई है। तो व्यूअर्स, इस घर की जो डिमांड है वो 2,50,00,000 की जा रही है। 5 मरला का ये ट्रिपल स्टोरी हाउस है, 2,50,00,000 में आपको मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।